सैनिक है लेकिन इनको अर्ध सैनिक कहा जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अर्ध सैनिक क्या है आखिर? क्या वो आधे सैनिक है? काम उनका पूरा सैनिक वाला है? अगर उनको किसी चीज का सामना करना पड़ता है, युद्ध में जाना पड़ता है, किसी से लड़ना पड़ता है और गोली अगर लगती है तो क्या वो गोली आधी लगती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ सर है, हम बातचीत करेंगे, बहुत सारे सर है यहाँ पर, और यहाँ पर अलग अलग जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और इनका जो है ये आज धरना है जंतर मंतर पर। सर ये इतने मेडल जो है वो आपके पास है, क्या है जरा इसको बताइए। ये मेडल जो हम एरिया वाइज जहाँ जहाँ ड्यूटी किया पूरे भारत में, हाँ। उस हिसाब से एरिया वाइज है, कुछ 50 साल के लिए, कुछ 10 साल का सर्विस है, उस नॉर्थ ईस्ट में हमने सर्विस काटा उसका है, कुछ हाई एल्टी का, इस प्रकार का है। साथ आपने लगा रखा है? अच्छा है, हाँ। अच्छा आप लोगों को अर्ध सैनिक कहा जाता है? अर्ध सैनिक, अर्ध का मतलब आधा अधूरा, पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री, मिलिट्री मतलब पूरा, पैरामिलिट्री मतलब आधा, तो हमको आधा अधूरा सैनिक कहा जाता है। क्या आधी अधूरी ड्यूटी करते थे आप? आधी अधूरी ड्यूटी तो सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री, सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स बोलते हैं, पैरामिलिट्री भी बोलते हैं, ये पूरे भारतवर्ष में चप्पे चप्पे पे, उसके बगैर कहीं शांति हो ही नहीं सकती, इतना अच्छा काम कर रही है फिर भी उसके साथ भेदभाव हो रहा। हमको कभी बोला जाता कि आप सिविलियन हो, कभी बोलते आप मिलिट्री हो, कभी बोलते आप पुलिस हो, तो हमें खुद को हम कंफ्यूज हो रहे, सरकार तो है ही है कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज हो रहे, हम है क्या सारा, हमें हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही, कोई टाइटल ही नहीं दे रहा है, कोई टाइटल। हमारे गृह मंत्री जी ने भी एक बार बोल दिया था कि ये तो सिविल फोर्स है, तो सिविल फोर्स है तो हमसे ड्यूटी क्यों हथियार के साथ नहीं जाती? 8 घंटे ड्यूटी के बाद हमको घर भेजा जाए, हम अपने परिवार के साथ रहेंगे, हम अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, ना हमको सही समझा जाता है, ना हमको किसी प्रकार की सुविधा मिलती है, ना हमारा बस खाली कुछ एक्सीडेंट हुआ, उग्रवादी नक्सलवादी मुठभेड़ में कोई अपनी जान को निशावर की है तो उसको मौत मानी जाती है, उसको कागजों में और उसमें शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ। उसके बाद जो भी फैसिलिटी है डिफेंस और पैरामिलिट्री में इक्वल होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, जबकि दोनों में बहुत अंतर है, और उसमें खास करके CISF के लिए तो बहुत ही ज्यादा वर्षों से, बाकी अदर फोर्स है, अदर पैरामिलिट्री है उसको 60 दिन का छुट्टी है, हमारा तो वो 30 दिन का छुट्टी है। उसके बाद में CLMS से आया, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट लिकर सिस्टम, उसमें CISF को मतलब अलग रखा गया, क्यों? बाकी लोग ड्यूटी नहीं कर रहे, बाकी लोग सिंसियर नहीं है काम के लिए, हमारे CISF, मैं खुद CISF से हूँ, 24 साल करके हुआ, अच्छे से ड्यूटी कर रहा, और इसको CISF के साथ भेदभाव क्यों? चाहे छुट्टी का हो, चाहे CLMS का हो, हर एक चीज के साथ ही हो जाए, ड्यूटी भी सबसे ज्यादा टफ कर रही है, एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, GBS हो, कोई हाईप्रोफाइल, CISF तो इतना अच्छा काम कर रही है और एक प्रकार का इनकम भी गवर्नमेंट को दिलवा रही है, जो भी अंडरटेकिंग में है कहीं ऐसी जगह, वहां से ज्यादा सैलरी लेकर के उसके बाद भी भेदभाव। CISF तो एक अच्छी फोर्स है, अच्छा बल है, लेकिन उसके साथ भी भेदभाव हो रहा, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है। हम जवानों को रिटायरमेंट के बाद भी दर दर की ठोकर खाना पड़े, यहाँ के प्रदर्शन करना पड़ा, ये सरकार के लिए शर्म करने वाली बात है। सर जिस तरीके से सर अभी कह रहे थे कि आप लोग जो है वो जवान है, रक्षा करते आए हैं, और उसके बाद अब आपको खुद की रक्षा के लिए यहाँ जंतर मंतर पर आना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खुद की रक्षा के लिए तो इधर ठीक है, हम लोग अभी हमारा यहाँ सबको इकट्ठा होने का एक मकसद था कि ये जितने भी फोर्सेस है ये पैरामिलिट्री में जो आती है उनको जो सुविधा दी जाए, आज की डेट में जो सुविधा मिल रही है उसमें से एक सुविधा जो है CLMS, जो सेंट्रल लिकर मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कैंटीन जगह जगह पे उसकी बनी हुई है, उसमें सब सामान सस्ते भाव से मिलता है, लिकर मिलता है, ये सभी फोर्स को दिया गया है, तो CISF को उसमें से बाकात रखा गया है, तो सरकार तो देने के लिए तैयार है हमको CLMS में समावेश करने के लिए, मगर हमारे जो वाला अधिकारी जो CISF के, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के, जो ऊपर DIG IG और DG जो रैंक जो है, उन्होंने उसमें बताया कि ये जो CISF है ये पब्लिक प्लेस में ड्यूटी करती है, इसरो में करती है, मेट्रो में करती है, एयरपोर्ट सब जगह करती है, हाँ हाँ, तो इस वजह से वहां पे क्या है कि अनडिसिप्लिन कोई कार्रवाई ना हो और पी के कोई ड्यूटी में शराब पी के आना जाए और उसकी सभी खराब CISF की ना हो, इस वजह से उन्होंने बाधा लगाई है कि उनको CLMS में समावेश नहीं किया जाए। अच्छा एक सबसे बड़ा सवाल है अर्ध सैनिक, ये क्या है अर्ध सैनिक? अर्ध सैनिक बोला जाए तो ये तो उनके शब्दों में अर्ध सैनिक है जो सरकार बता रही है, गृह मंत्रालय बता रही है, मतलब अगर आप देखेंगे तो आधा हो गया, तो क्या सब चीजों में आपको आधी ड्यूटी मिलती है, आधी जो फैसिलिटीज मिलती है?
हाँ जी, फैसिलिटीज तो नाम जीरो है, फैसिलिटीज तो कोई मिलती ही नहीं, बिल्कुल सीएस वो कोई पूछता ही नहीं। हमको तो सिविल फोर्स का दर्जा दिया है, जबकि काम हमारा लिया जा रहा है बॉर्डर पे, काम सैनिक का है और फैसिलिटी के नाम पर कुछ नहीं है और उस पर एक टाइटल दे दिया गया अर्ध सैनिक। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी मांग ये है, हम लोग इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जो सर्विस कर रहा है ऑन ड्यूटी में सीआईएसएफ वाला, तो वो जहाँ जहाँ पे जो ऐसे पब्लिक प्लेस बता रहा है कि भाई ऐसी जगह पर ऐसा उसको इश्यू करने से प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, फलाना ठिकाना जो भी है, तो जो निवृत्त होकर घर आ गया है, जो ट्रेनिंग सेंटर में है, जो रिजर्व बटालियन में ड्यूटी कर रहा है, उनको तो पब्लिक के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपने घर में अगर रिसेटल हुआ है तो ये उनको क्यों इस सुविधा से मतलब वंचित रखा गया है। तो कम से कम जो रिटायर होके आए हैं उनको ये सीएलएमएस की सुविधा मिलनी चाहिए। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सीआईएसएफ के डीजी साहब से कि हमको रिटायरमेंट जो लिया है, रिटायरमेंट जो होके आए हैं, उनको ये सुविधा सीएलएमएस की मिलनी चाहिए। अच्छा, अर्ध सैनिक की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कहीं पर आप अगर आप जा रहे हैं लड़ाई में या फिर कहीं युद्ध में, तो उस जगह पर क्या आपको पीछे रखा जाता है, सैनिक को आगे भेजा जाता है? देखिए, युद्ध तो क्या है, युद्ध एक बार छिड़ जाता है तो पूरे भारत को सिविल पब्लिक भी वहाँ युद्ध के साथ मतलब हाथ हाथ कंधे से कंधे मिला के युद्ध लड़ती है, वो एक बात की बात है। मगर जहाँ पर हम ड्यूटी करते हैं वो एरिया जैसे पहाड़ी एरिया है, वहाँ आईटीबी भी ड्यूटी करती है, इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स, और जैसे बॉर्डर एरिया तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ड्यूटी करती है। तो हर जगह पर मतलब जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाया है वो पूरा इंडिया में चारों कोनों में ये पैरामिलिट्री फोर्स ड्यूटी करती है, और वहाँ पे उग्रवादियों से हमेशा ये गोलीबारी वगैरह होती रहती है। तो उसमें जो पैरामिलिट्री फोर्स का जो जवान है शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। दो दिन मीडिया वाले बताते हैं कि शहीद हो गया फलाना टिकड़ा, मगर कौन शहीद हो गया? दो दिन मीडिया वाले और एक दिन में दो चार दस सेकंड जो है हमारी सरकारें बताती हैं। हाँ जी सर, तो वो तो शहीद तो बोल दिया है, मगर कौन शहीद हुआ? पैरामिलिट्री फोर्स का जवान शहीद हुआ या आर्मी का? तो वो सिर्फ आर्मी ले जाती है कि आर्मी का जवान शहीद हो, पब्लिक को ये बात मालूम नहीं है कि पैरामिलिट्री फोर्स क्या है, कौन कौन फोर्स का समावेश वहाँ होता है। उसके लिए कोई मीडिया जिक्र नहीं करता है, या तो कोई सरकार नहीं बताती उसके लिए, ना कोई उसके लिए सुविधा है। तो जब भी को जवान शहीद होता है तो मतलब कोई नेता आके बता देता है कि वो शहीद। दो मिनट का मौन धारण किया और चुपचाप कह दे कि ये हो गया, बात खत्म, बस बस। तो यही है, तो हमारे लिए तो हमको तो देखो ये मान सम्मान का भूखा है, हम लोग सैनिक का ड्यूटी किया है, ये वर्दी पहन रहे हैं, तो हमारा गिनती अगर सैनिक में नहीं करेगा और सिविल में करेगा तो दुख तो लगेगा ना, हम हमारे घर वालों को भी क्या बोलेंगे। जब ड्यूटी में रहते हैं तो बड़े सम्मानीय तरीके से सरकार पेश आती है आपके साथ। हाँ जी, जब सरकार को ड्यूटी लेना होता है तो उस समय वो मीठा मीठा बात बोल के हमारे से ड्यूटी वगैरह ले लेती है, मगर सुविधा के नाम पर जीरो है। जब हमको कुछ देने के लिए आता है, कागजी कार्रवाई करते हैं, तो उसमें कोई हमारा कोई सुनता ही नहीं है। हम पिछले वैसे ही अलग कर देती है जैसे इंसान जो है वो दूध से मक्खी अलग कर देता है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही सही बात है। जितने भी लोग है ये आपके साथ, ये सब कैसे है, सब आप ही के जैसे सेम फोर्स से है? हाँ जी, ये पैरामिलिट्री फोर्स वाले पूरे इकट्ठा हुए हैं यहाँ जंतर मंतर में, धरना प्रदर्शन जो हमारा शांतिपूर्ण अभी हुआ है उसमें पूरे सीएपीएफ के है, पैरामिलिट्री फोर्स जिसको बोले अर्धसैनिक बल बोलते हैं। तो अर्धसैनिक क्या होता है, हम आधा हथियार लेकर तो ड्यूटी नहीं करते, आधी अधूरी वर्दी नहीं पहनते है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स का ड्यूटी नहीं है। आप इंडिया के चारों कोनों में देख लीजिए, बॉर्डर पे बीएसएफ है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आईटीबीपी जो पहाड़ों में ड्यूटी करती है, सीआईएसएफ जो है, इसरो है, मेट्रो है, एयरपोर्ट है, इन सब जगह रहती है, एसएसबी भी बॉर्डर पे रहती है, सीआरपीएफ तो पूरा जितना भी समस्या ये कहकर नहीं आती है कि आप अर्ध सैनिक हम आपके पास आधा ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहकर नहीं आती। हाँ, समस्या जैसे गोली चलाता है वहाँ से दुश्मन उग्रवादी, तो ये नहीं कहता कि वो अर्ध सैनिक है उसके पास आधा ही जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग को ये जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है उसमें उनको सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरा देश को सुरक्षा देते हैं और हमारा मनोबल ऐसे गिराएगी सरकार, अपनी सुरक्षा आप खुद नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो दिल में यही सोचेंगे, साला हमारा कोई मान सम्मान नहीं, कुछ नहीं, हम ड्यूटी में ही सोचते रहेंगे। और फिर बॉर्डर की ड्यूटी ऐसा है कि अगर बॉर्डर में तो थोड़ी सी भी चूक हुई तो देख लीजिए क्या हो सकता है इंडिया में। तो कम से कम ये सरकार को, जो मौजूदा सरकार है, उनको कम से कम पैरामिलिट्री फोर्स के साथ जो अन्याय हुआ है, जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। उसके लिए उनको ये सब लागू करने के लिए उनको कोई बड़ा कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा बजट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको क्या है कागजों में शोक किया है
तो वो कागजों में किया है वो सच्चाई में, डिपार्टमेंट को देख के सच्चाई में ये करना चाहिए। और पब्लिक के पब्लिक में जो मतलब जब भी कोई नेता बयानबाजी करता है तो सिर्फ वोट के लिए करता है, जो वाह वाह बोलता है हमारी मिलिट्री फोर्स की फलानी जगह ड्यूटी करी, ये है वो है फलाना, वहाँ आके वो लोग विजिट भी करके जाते है, है ना, होली दिवाली जाते हैं। हाँ, तो ये सब दिखावा है, दिखावा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हकीकत में हमारे साथ ऐसा कोई प्रेम भाव नहीं है कि कोई हमारे साथ ऐसा कोई मतलब हमको कोई सुविधा देने का उसका कोई सोच विचार ही नहीं है, बस वो नाम का है सब। सर, जितने भी नेता जो है वो एक दिखावा करते हैं और जाते हैं जब होली दिवाली होती है, कोई त्योहार होता है तो कहते हैं कि हम अपने उस परिवार के साथ जो है आए हैं त्योहार जो है मनाने जो हमारी रक्षा करता है, तो वो उनकी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे। जब मोदी साहब ही अपना जवानों के साथ दिवाली मनाने जा रहे हैं, इतना इसको प्रेम है तो इतनी सुविधा देने में क्या सरकार को घाटा हो जाता है। जब से बने हैं प्रधानमंत्री तब से जवानों के साथ होली दिवाली मना रहे हैं। हर साल की तस्वीरें, हर साल की तस्वीरें भी आती है अलग अलग जगह से, कश्मीर से, उधर से, उधर से, तो जवानों के साथ इतना हेत प्रेम है तो इतना काम के लिए ये इतना जवान पर ये प्रेम कब तक। हाँ, ये कब तक। हाँ, ये प्रेम कब तक, ये प्रेम तभी तक जब उनको फोटो खिंचवानी होती है। हाँ, और आन बान शान इंडिया में भी है, विदेशों में है, तो ये आन बान शान को भी रोकने के लिए और देश को चलाने वाली हम लोग है, और है कौन। हाँ, एक कदम चल पाए कोई नेता कहीं। हाँ, भाषण कर दे। हाँ, तेरा मिलिट्री फोर्स के अलावा। हाँ, तो हम चाहते हैं कि हाँ हमारी कोई जरूरत नहीं है। खड़े होते कोई नेता कहीं गली मोहल्ले में, खड़े होते हैं जब हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पे, तो बड़े डंके की चोट पर कहते हैं कि आज हमने देश को जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। संसद सभा, ऑफिस, बंगला, कहीं भी बिना जवान से वो रह सकते हैं, ये बताओ हमें। पैरा मिलिट्री का जवान के अलावा वो एक कदम नहीं चल सकते कोई भी नेता, और उन्हीं को चलने पर मजबूर कर रहे हैं, उन्हीं को जो है पैर काट रहे हैं, उसी के पैर काट रहे हैं। ये जो है ये सैनिक है, इनको एक टाइटल दिया जाता है अर्ध सैनिक का। अब यहाँ पर जो है इनका इन्हीं का कहना है कि सरकार जो है जिस तरीके से कह रही है कि ये अर्ध सैनिक है और ये सैनिक है, ये भेदभाव कर रही है, और उन सभी चीजों में चाहे वो कोई फैसिलिटीज की बात हो उसके नाम पर इनको जीरो मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। जब तक ये ड्यूटी पर थे तब तक तो इन्हें सलामी दी जाती थी, और जब कोई भी सैनिक जो है वो शहीद होता है तो उसे शहीद होने की भी बात नहीं कही जाती और कहा जाता है कि उसकी जो है मृत्यु हो गई। अब ये यहाँ जंतर मंतर पर बैठे अपनी मांग कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ये सरकार को लगातार जगा रहे, कह रहे उठ जाओ। वो सरकार को जब वो किसी त्योहार पर वहां पर जाती थी और इनके साथ जो है वो त्योहार मनाती थी, फोटो खिंचवाती थी और बड़े बड़े शब्दों में, सुनहरे शब्दों में लिखती थी कि आज हमारा जो देश है वो जमीन से आसमान पर पहुंच गया है, और वो जिन्होंने देश को जमीन से आसमान तक बोलो या CAPF बोलो एक ही है, उसमें आता है BSF, CRP, CISF, ITBP, SSB, असम राइफल, ये है सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स। उसमें 2004 के बाद पेंशन बंद की गई है, जबकि हमको बोला जाता आर्मर फोर्स ऑफ द यूनियन हम हैं, तो हमारी पेंशन क्यों बंद की गई। क्या 40 साल नौकरी करके आने के बाद वो क्या कटोरा लेके भिख मांगेगा, कैसे अपना परिवार पालेगा। और पेंशन बंद करनी है तो MP हो, MLA हो, विधायक हो, सांसद हो, उनकी भी बंद होनी चाहिए। क्यों उनको क्यों पेंशन, 2.5 दिन का सांसद है, चाहे 2 दिन का सांसद है, 1 दिन का MLA बना उसको पेंशन मिल रही, तो 40 साल जो देश के लिए दर दर ठोकर खा रहा, घूम रहा, उसकी पेंशन क्यों बंद। उनको पेंशन का वो हकदार है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया जनवरी 2023 में फैसला, उसके पर ये सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे ले आई। क्या ये जवानों के प्रति संवेदनशील नहीं है, आने वाले चुनाव में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। और दबंग टीवी का खूब खूब धन्यवाद।